हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशो इन अमेरिका में तो बहुत टाइम हो गया था मैं ना आपको किसी अच्छी लोकेशन पर नहीं लेकर आई थी वीडियो जो है वो भी बहुत लेट आ रही है मुझे पता है बट आज मैं सोची कि आपको एक अच्छी सी लोकेशन पर लेकर चलती हूँ जो देख आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना तो मैं भी मतलब तो मैं इस प्लेस की दीवानी हो गई तो आज आज ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए थे लंच पर तो लंच के बाद हमारा प्लान हुआ कि ये जगह हमारे घर के थोड़ा पास ही है तो क्यों ना हम लोग उन लोगों को भी इस जगह को दिखाएं क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है ना कि शायद ये जगह कहीं और देखने के लिए मिलेगी तो मुझे लगा कि मुझे ये जगह आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो सबसे पहले तो आप पीछे का ही व्यू देखो मेरा पीछे क्लाउड्स वाओ यहाँ पर फोटो लेने का ना अपना एक अलग ही सुकून है आप देख सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फोटो सेकंड चीज पीछे आप मेरे रहे होंगे पूरा व्हाइट तो कितना सुंदर कि मतलब वॉकिंग एरिया भी इतना अच्छा लग रहा है ऐसा फील आता है कि हम किसी स्नो पे चल रहे हैं और जो सबसे मेन चीज जिस लोकेशन पर मैं आई हूं वो देखते हैं रेडी फॉर देट वन टू थ्री तो यहां से शुरू होता है हमारी लोकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट तो सबसे पहले थी ये ट्रेल खूबसूरत सी यहां से आपको वॉक करके जाना था वहां तक तो हम भी वॉक करके निकलते हैं वहां तक तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है क्योंकि जो व्यू वहां पहुंच के आपको मिलेगा ना वो वे से मैं स्पॉयल नहीं करना चाहती हूँ आपको बताकर तो फटाफट चलते हैं इस ट्रेल को कंप्लीट करके क्योंकि ये ट्रेल भी जो थी बहुत सुंदर थी यहां पर भी फोटो वोटो बहुत सुंदर आते थे तो लोग पहले तो यहीं भीड़ लगा देते हैं यहीं से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फोटो वीडियो सेशन बहुत चलता रहता है आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सुंदर है तो ये है फाइनल लोकेशन दिख रहा है कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पर ये एक्चुअली ये जगह है पिंक पौंड के नाम से फेमस पिंक पौन्ड एंड सॉल्ट आपको ना यहाँ पर चारों तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा तो चलो मैं लेकर चलती हूँ आपको नीचे उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको पास से पूरा पौंड तो नीचे जाने के लिए ना रास्ता कुछ इस तरीके का है कोई सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं है बहुत संभल के आपको नीचे उतरना पड़ता है एक बार तो मैं नीचे उतरते उतरते गिर भी गई थी और इस पॉन्ड का जो मेन अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है ये अगर आप देखेंगे ना पूरे पॉन्ड में कुछ इस तरीके से सॉल्ट जो है जम गया था और उसके ना कुछ इस तरीके से पत्थर बन गए थे तो, जो दूर से देखकर इतने खूबसूरत लगते हैं ना और लोग स्पेशली इस पॉइंट पर अपना फोटो सेशन जरूर करते हैं पता है बहुत ऐसी जगह होती हैं कि जो ना आपके दिमाग में मन में सब जगह बस जाती है जिनको देख के ना आपको लगता है कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर मेरा कोई अपना यहाँ आए तो मैं उसको ज़रूर ये जगह दिखाऊँ तो इस जगह को देखने के बाद ना मुझे भी ऐसा हो गया कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर कभी आएगा मेरा भाई मेरा कोई रिलेटिव कभी आता है तो ये एक ऐसी जगह है जो मैं उनको ज़रूर घुमाना चाहूँगी मतलब मैं इस जगह की इतनी बड़ी फ़ैन हो गई हूँ इतना सुकून इतनी प्यारी यह जगह थी मैं आप लोगों को वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो हम अपने साथ जिनको लेकर आए थे ये लोकेशन दिखाने के लिए वो लोग भी लोकेशन के फैन हो गए देखो वो लोग अपने बच्चों के साथ कितना इंजॉय कर रहे अच्छा एक चीज आपको बताना ही भूल गई कि ये जो चारों तरफ आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं ना जिससे बच्चे खेल रहे ये है, है सॉल्ट। तो यहाँ चारों तरफ आपको सॉल्टी ही सौल्ट देखने मिलेगा तो यहाँ ना मैं आपको इस पौंड के बारे में बता रही थी लेकिन बाद में पता चला कि हवा इतनी तेज थी कि हवा ने मेरी आवाज़ को दबा दिया था तो इस पौंड की ना एक और खास बात है कि यहाँ पर ना बोटिंग भी कर सकते हो लेकिन इस साइड नहीं वो दूसरी साइड है वहाँ आज बोटिंग बंद थी तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मैं पक्का बोटिंग करूँगी और वो छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और अभी मैं आपको बता रही थी कि इस व्यू से ज़्यादा ना मुझे ये क्लाउड वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका ना जो पिक्चर्स मैंने लिए ना वो अलग ही मजा दे रहे थे मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्स आ रहे थे बहुत ही सुंदर व्यू था और आई uh, होप आप लोगों को ना ये लोकेशन अच्छी लगी हो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपने ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ना चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं अपने चैनल पर ना नई नई लोकेशंस और नए नए टॉपिक के साथ आ रही हूँ जहाँ मैं अमेरिका के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसके थ्रू आपको यहाँ के बारे में चीज़ों का पता चलेगा और आपको इन्फॉमेसन्स मिलेगी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी मुझसे ले सकते हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना बहुत सारा प्यार देना तब तक के लिए बहुत Bye-bye.